जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा, जुड़ जाएं सभी साधक। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे मसानी साधना के ऊपर, यानी कि हार्ड मसानी के ऊपर। मसानियाँ जो हैं बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे हार्ड मसानी होगी, मसानी झापड़ी हो गई, और भी अन्य प्रकार की मसानियाँ होती हैं, और ये बहुत ही पावरफुल होती हैं। इनमें बहुत ताकत भरी होती है, क्योंकि मसानियों की जो है पूजा की जाती है। तो जो मसानियाँ होती हैं, ये अपने तीव्रता के कारण जानी जाती हैं, और ये इतनी तीव्र होती हैं कि हर तांत्रिक जो है इसको रखता है। अगर कोई अच्छा तांत्रिक है या अच्छा तांत्रिक अपने आप को कहलाता है, तो उसके पास मसानी ज़रूर होनी चाहिए। मसानी जो होती है, ये तीव्रता की प्रतीक है। एक बहुत ही तीव्र किसी भी कार्य को, मान लो कोई कार्य बहुत ही ज़रूरी है और वो फंस गया है, कोई कार्य अटक गया है जिस पे बहुत सारा जोखिम लगा है, बहुत सारा मेहनत लगा है, ऐन वक्त पर आकर कोई ऐसा काम अटक गया है, कोई भी हो सकता है, कोई सामाजिक कार्य हो सकता है, या किसी भी कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है जहाँ कोई विपदा आ गई है ऊपर, उसके लिए जो है मसानियाँ बहुत तीव्रता से काम करती हैं। तो ऐसे समय पर जो है तांत्रिक मसानियों को ही याद करता है, तो इनका ही भोग देकर जो है भेजा जाता है। मसानी को जो है आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, नया साधक भी इनको सिद्ध कर सकता है। यह अपने भोग लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और साधक का कार्य खुशी खुशी कर देती हैं, और बहुत ही कम समय के अंदर जो है जो कार्य को करती हैं। बाकी कई बार होता है कुछ शक्तियाँ समय लगाती हैं, लेकिन ये शक्ति कभी समय नहीं लगाती है। ये चंद ही क्षणों में, चंद ही कुछ लम्हों में जो है कई बार ये काम करके आ जाती है। तो बहुत ही अच्छी शक्ति है। हमारे किसी साधक ने पूछा था, और बार बार जो है कुछ साधकों ने जो है इसका आग्रह किया कि इसके ऊपर हमें ज्ञान दीजिए, इसके ऊपर प्रकाश डालिए। तो बहुत ही अच्छी शक्ति है, और हमने तो इसका बहुत प्रयोग किया है पूरी ज़िंदगी, मतलब कि जो है काफ़ी प्रयोग इसके द्वारा हुए हैं, क्योंकि मसानियों के बिना भी तंत्र अधूरा है। हमने पहले भी बाकी के वीडियो में हमने समझाया है कि जो मसानियाँ होती हैं, ये इतनी जो शक्तियाँ होती हैं, ये इतनी जो है प्रबल होती हैं कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं आने देती। किसी भी प्रकार की धन हो गया, संपदा हो गई, या किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती है, क्योंकि इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये जब बाकी के कार्य कर सकती हैं, तो अपने साधक को कभी भी कंगाल होने नहीं देती हैं। साधक हमेशा राज करता है इसका, जो भी इसको सिद्ध करता है। इसको सिद्ध करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपके शत्रु आपसे परास्त होंगे, आपकी जश बढ़ेगा, आपका जो है सूर्य जो है उदय होगा, यानी कि आप आगे ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, क्योंकि इसका साधक जो होता है उसके मुख पर एक अलग ही तेज उभरना शुरू हो जाता है, जिसके कारण दुनिया उससे जो है प्रभावित होती है, दुनिया में जश बढ़ता है, उसकी कार्यशीलता बढ़ती है, समाज में आदरमान जो है प्राप्त होता है। और यही सब जो है इंसान को चाहिए होता है। कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ की लालसा करता है, तो उसको धन हो गया, जश हो गया, यही सब कुछ चाहिए होता है, और बाकी वो अच्छे कर्म करे, क्योंकि ज़िंदगी इसीलिए इसके लिए नहीं है कि आप अपना ही जश या मतलब कि धन की ही आप चिंता करो, बाकी लोगों की भी आपको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि एक साथ आगे बढ़ो तो दुनिया जो है खुशहाल हो। और हम यही कामना करते हैं कि जो भी हमसे कोई साधक शक्ति लेके जा रहा है, जो भी हमारे द्वारा कोई शक्ति सिद्ध कर रहा है, उसको जो है अलग जो है अनुभव प्राप्त हों, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और अच्छा कर्म करे। क्योंकि बहुत सारे जब हम किसी को क्रिया या साधना देते हैं, तो उसके बहुत ही हमें एक आशा होती है कि ये व्यक्ति आगे जाके बहुत कुछ करेगा, हमारा भी नाम ऊँचा करेगा। और क्योंकि किसी भी तंत्र का जो है समझ साथ में तंत्र के होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये आम बातें हैं जो तंत्र में जाननी ज़रूरी हैं, ज़रूरी भी बहुत हैं। ये इनको जो है
पहली बात कि अगर हम तंत्र सीख रहे हैं तो पहले उसका कारण जानना जरूरी है कि हम क्यों सीख रहे हैं, और क्या कल को हम ऐसा तो नहीं है कि हम कोई गलत कार्य करने लग जाएं तंत्र के द्वारा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे कार्य करो, अच्छे कामों में बहुत मज़ा है। अगर आपको अच्छे कार्य नहीं आते हैं तो हमसे पूछो, हम बताएंगे कि आप क्या क्या अच्छे कार्य इनसे कर सकते हो, क्या क्या अच्छे कार्य आप ले सकते हो। तो जो है आपके ऊपर है, क्योंकि साधना को, ये सिद्धियां जो साधनाएं होती हैं आप ढूंढते रहते हैं, इसको करना भी सीखो, बाकी हम ये कहेंगे। और जो जे हार्ड मसानी है इसके ऊपर बात कर लें, पता नहीं क्यों जो है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं समझाने के लिए। देखो हार्ड मसानी जो होती है, अगर हार्ड मसानी की बात कर लें तो ये ज़्यादातर जो है मारण प्रयोग में भी प्रयोग की जाती है, क्योंकि अगर ये हार्ड मसानी किसी के ऊपर छोड़ दिया है तो उसका शरीर जो है तकरीबन पानी बनने लग जाता है उसके शरीर में, यानी कि हड्डी गलने लग जाती हैं, मतलब कि शरीर एकदम से लचीला पड़ जाता है, यानी कि खराब हो जाता है शरीर, और कुछ ही समय के अंदर उस सामने वाले की डेथ हो जाती है। इसके बहुत सारे प्रयोग यही वाले हुए हैं, तो जो सच है वो आपको सच ही बताना जरूरी है हमारे लिए भी, और आपका जानना भी जरूरी है, क्योंकि पता नहीं है कि कल को कौन सा हमारा साधक आगे चल के गुरु बने, किन किन लोगों का गुरु बने। अगर हम गलत बोलेंगे तो हमारे शिष्य भी आगे गलत बोलेंगे, अगर हमारे गुरु ने सच बोला है तो हम भी आगे सच बोल रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। हार्ड मसानी का प्रयोग जो है गलत होता रहा है, लेकिन इसको अच्छे के लिए, तंत्र काट के लिए, जश बढ़ाने के लिए, अपना धन दौलत बढ़ाने के लिए इन कामों में प्रयोग किया जा सकता है, पूरी सहायता देती है ये, लेकिन खतरनाक बहुत ज़्यादा है। अगर किसी के ऊपर छोड़ दी जाए तो आप कल को पछताना मत कि मैंने क्यों छोड़ दी, क्योंकि ये समय नहीं देती है सामने वाले को, शरीर तुरंत के तुरंत गलाना शुरू कर देती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। बाकी हम नहीं कहते कि हिंसा में कुछ पड़ा है, इतनी हिंसा जो है वो अच्छी नहीं होती है, चाहे किसी के भी प्रति हो। हिंसा को जो है हिंसा से बचें, अहिंसा की ओर आएं। हम तो कहते हैं कि आप शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए और तंत्र काट के लिए करें, या किसी का काम रुका हुआ है उसके लिए करें, इन चीज़ों में जो है इन शक्तियों का प्रयोग करें, तो आपको जो है कुछ प्राप्त हो सकता है ज़िंदगी में। ऐसा ना हो कि हमसे हमारी जितनी भी बातें हैं पूरी सुनने वाली हैं और ध्यान से सुना करो। अगर तो आपको सिर्फ किसी खास चीज़ में ही दिलचस्पी है तंत्र की, तो आप कभी तांत्रिक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि दिलचस्पी जो है आज नहीं कल को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तंत्र के प्रति जिज्ञासा चाहिए। जो हम बात बोल रहे हैं उसकी पूरी सुनो। तो देखो ऐसा ना हो कि आप हमसे कोई सिद्धि ले लो या साधना ले लो, कल को आप इतने पाप के भागीदार बनो कि आसपास में आपके आपसे बड़ा कोई पापी ना हो। आपने इतना पाप कर लिया कि शायद आपको कोई आपके कर्म भी आपको शायद आप उन कर्मों का भुगतान हो सकता है अगले जन्म में भी ना दे पाओ। तो ऐसा नुकसान मत करवा लेना, भुगतोगे आप ही। मैं तुम्हें आप लोगों को बता दूँ कि जितना गलत करोगे आने वाले समय में उतना ही आप भुगतोगे, क्योंकि ये लेखा जोखा जो है ये होकर रहता है। तो आप जितना अच्छा करोगे उतनी ही आपकी इस मुक्ति है, उतनी ही आपकी आत्मा जल्दी मुक्त होगी। आप जितना तंत्र का गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गलत इस्तेमाल करेंगे तो इस ज़िंदगी जो आपको अभी मिली हुई है, इसी ज़िंदगी में आपका शरीर एंड अंत समय में बहुत बुरे हालातों में होगा अगर आप इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करेंगे। बल्कि कुछ ही समय के अंदर अंदर आपको कुछ चीज़ें घेर लेंगी, कुछ ऐसी बीमारियाँ घेर लेंगी जिसके कारण आपको ये संसार छोड़ के जाना भी पड़ सकता है। तो तंत्र को कभी भी हल्के में ना लें। अगर तंत्र बना है तो ये आपको बर्बाद भी कर सकता है, तो इसको अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। और जब मन हो कि पूरा त्याग करने का मन हो इन चीज़ों को, तो आप त्याग भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने शक्ति सिद्ध की हुई है आपको रखनी ही रखनी है। हमारे भी बहुत सारे साधक हैं जो चीज़ों को सिद्ध करते हैं, उसके बाद
कुछ चीज़ों का जो है त्याग कर देते हैं, यानी कि उनको विसर्जित कर देते हैं या किसी को ट्रांसफ़र दे देते हैं, यानी कि किसी और व्यक्ति को दे देते हैं जिसको जिसका वो प्रयोग कर पाए। इस तरीके से होता है। तो आशा करते हैं हमारी जो सभी बातें हैं वो समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माँ काली।